किशनगंज से? किशनगंज जिला किशनगंज। आपका भी जमीन का है? जी भूमि भी बात है सर। जमीन पर भी कोई कब्जा कर लिया है? जो है ना सर, जमीन पर कब्जा कर लिया है कोई? माइक माइक पास मिस्टर बोलिए ना, नीचे करते हैं। इसमें बोलिए। हमको चलित्र राय कुछ पुत्र लिए थे और वो 76 डिसमिल जमीन धुंधी लाल से खरीदे थे। आपका जमीन आपको छीन लिया है? वो क्या क्या हुआ सर उसमें? उस समय तो कोई खाता खेसरा देखता नहीं था और वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो जमीन का खेसरा जो लिखे है हाँ, जो आबाद के लिए जो दिए वो 751 खेसरा है, उसको हम आज 40-45 साल से जो आबाद करते हैं। आई लगातार आ रहा है, दो भेजे हैं यार, सबके जमीन को कब्जा कर लिया है, दोनों आदमी को भेजे हैं, तीसरा भी आए हैं किशनगंज से। इसका भी है कि सामाजिक व्यक्तियों द्वारा जमीन मुझसे छीन लिया गया, जमीन के बेदखल चाहते हैं, देख लीजिए जरा से। आइए सर, आइए। क्या दिक्कत है? अंजिला की बात करें तो अररिया जिला की पुलिस प्रशासन इस वक्त थोड़ी में काफी आ गया है सर। हरगामा थाना बरवारी केस आई हो और इंस्पेक्टर का मिली गरज थे सर, तो रुपया लेकर के सर जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया सर दबंग के, और उसको बेल दे दिया गया सर। जानलेवा हमला किया? जी सर, घर में घुस कर। जब हमला किया कब की बात है सर? ये है 16 मई 2021 की। अच्छा, गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं सर, बेल दे दिया गया। गिरफ्तार हुआ था? नहीं सर, गिरफ्तार भी नहीं हुआ। गिरफ्तार नहीं हुआ? गिरफ्तार गिरफ्तारी के बिना बेल मिला है? जी सर। पुलिस वाला जो है जी सर, साहब हेलो। अरे भाई, अररिया से ही आए, अब इनके घर पर जानलेवा हमला लूटपाट किया था ये कैसे, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, उसको बेले से क्या मामला है? जानलेवा हमला लूटपाट के मामले में हुआ है, उस पर एक्शन का है नहीं, बिल ले लिया है भी करता नहीं, उसके तरफ से कुछ नहीं क्या वजह देखिए, तो देखिए भेजना। ये क्या हुआ? सर त्रिपुटी आदमी है, उसने जो हमारा जमीन को जो है गवर्नमेंट कब्जा कर लिया, उन्होंने का आगे में फोर लाइन में कर दिया है और पीछे में मेरा जमीन पड़ता है सर, उसको जो जबरन मदन दास ज्यादा। आपका अपना जमीन है ना? यहाँ खदियाने जमीन। ये कब्जा कब कर लिया? कब कब्जा हुआ? फोर लाइन कटने के बाद रात रात जो है कर लिया, फोर लाइन में उन्नाव का जमीन कटा, मकान आगे से कटा है, उसके बाद ही आया। अच्छा, फोर लाइन में कटा तो आपका जमीन में कब्जा कर लिया? कटा हुआ जमीन तो सर अब रंग बिका हुआ था, कट गया जिसमें कि उन्नाव का मकान पड़ता था।
उसके पीछे हमारा बचा हुआ था। किसी का जमीन कटा हुआ तो दूसरा है ना, लेकिन आपका जमीन तो फोर लेन में नहीं ना कटा नहीं है सर, हमारा जमीन तो पीछे में। आपका जमीन फोर लेन में नहीं लिया गया, नहीं दूसरे लोग ले लिया है, कब्जा कर लिया है जी हाँ। आगे से हमारा जमीन जो है सर पहले पीछा हुआ था। उससे बताइए क्या दिक्कत है? जमीन खरीदने, जमीन सर हमको जबरदस्ती घर बनाने नहीं देता, जब जाते तो मार भगा देता है, कहता है आधा जमीन दो या तो जमीन बेच के पार। बताइए समस्या बताइए क्या सर? हमारे पिताजी की खरीद की भूमि पर कुछ जो है कि गांव के अगर गांव के आदमी लोगों के जो है गांव के असामाजिक तत्वों के लोग अगर हमारा जमीन को जोत दिया गया मारपीट करके सर, और सर हमने थाने से लेकर वरीय डीएम साहब तक के आवेदन दिए लेकिन किसी ने सर हमारे आवेदन पर कार्रवाई नहीं की। हाँ सर, सर हमने 21 लाख रुपया हमने उनसे लिया था, टेलू सिंह पिंटू सिंह से सर। मेरा कहने का मतलब है सर वो 4 साल से सर वो मेरे मकान का है ना ये भाड़ा उठा रहा है सर, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करवा देते सर। आपके मकान को ही कोई कब्जा कर लिया? हाँ सर। केस नहीं किए हैं? नहीं सर, केस की नहीं, ये केस तो हमने नहीं किया सर। केस करना चाहिए आपके जमीन पर? कोई दबंग आदमी है सर, वो प्रशासन वगैरह सब सर सब उन्हीं का है सर। पुलिस को तो दो, पुलिस आई बताई नीचे करके क्या दिक्कत है माइक में बोलिए सर। हमारा गेहूं 4/4/21 को ही जब्त कर लिया गया और 4 अप्रैल 1921 में ही गेहूं जब्त कर लिया गया और उसके बाद अभी तक मैंने कोई क्रिया नहीं। उसके अगलाई जो फसल हुआ इस वर्ष का उसको भी लूट करवाए वो लोग, जाइए कर्मचारी ये आए हैं राजस्व कर्मचारी और सीओ ये उन लोगों को रसीद इतना काट दिए हैं कि कहता है सारा जमीन हमारा। आपका केस दर्ज नहीं किया? केस कहाँ केस करते, केस तो एप्लीकेशन थाना को ही तो दें सर जब लूट होता है। थाना बोला नहीं किया तो? थाना कोई केस नहीं करता है, एसपी साहब को भी दिए वही हालात है, वो कह देंगे जाओ सीओ से मिल लो। और सीओ साहब सर 2018 तक उसके पास कोई रसीद नहीं था और आज उसके पास जितना जमीन है सब का तीनों हिस्सेदार का रसीद भी काट लिया है वो अकेले। एक राजस्व कर्मचारी वैसे भी आए हमारे पास उसका प्रमाण है। क्या समस्या है सर? जमीन पे कब्जा नहीं दे रहा है, 2021-22 तक जमीन रसीद कटाया हुआ है, मंजिला अधिकारी का रिपोर्ट, अनुमंडल पदाधिकारी का रिपोर्ट है सर, लोक सूचना अधिकार का रिपोर्ट है, कोर्ट का जजमेंट है सर, अब भी वहाँ दखल नहीं दे रहा है सर। 4-5 वर्ष जाते हैं उसके घर के पीछे जमीन है सर, मारने के लिए तोड़ता है सर, 56 जिसमें जमीन है। आपके जमीन पर जो कब्जा कर रहा है जी सर, ठीक है ठीक है, राजस्व भूमि सुधार को पूरा डिटेल दीजिए। बताइए क्या दिक्कत है माइक बोलिए और नजदीक बोलिए। बुरा बहुत सर, बहुत तकलीफ भी है जमींदार, मुझे जाए जमीन जोत में जाए जाने समय
गरीब आदमी जानकर और नहीं वो उठना जा सके। आपको क्या बंदोबस्ती में जमीन मिली थी? जी हाँ। तो उसी को कब्जा कर लिया है, है? कोई दूसरा कब्जा कर लिया है क्या? जमींदार आपको जो मिला था उसको नहीं मिल करके दूसरे को लिया? जी जी वो मुझे छे ना वो कहे से झूठो कहे से हमरा से पूछे करे सरपंचो पर न लगे दिए ना तो वहाँ कोनो बरामद कागज और नहीं था। बहुत दिन से बहुत सब रेडी है यहाँ आवे ला हमें जानते तो बहुत अब तक पुराना मामला है और आदमी कुछ लिए निकाल के अभी ऑनलाइन सजा पड़े जाए तो बंदोबस्ती से जमीन पर दूसरा कब्जा कर लिया ही ना। हाँ। आप चाहते हैं कि उसको वापस मिले यही ना है? लगा उसको राजस्व भूमि सुधार विभाग अरे भाई पूर्णिया से एक आदमी है जिस आदमी का बंदोबस्ती का जमीन और उस पर कोई दूसरा कब्जा कर लिया इसका तो मिला हुआ जमीन बंदोबस्ती परवाना मिला है बहुत पहले का 77-83 देख लीजिए। आइए क्या समस्या है? क्या समस्या ये है कि सर कोई अफगानी अनवर नाम से जो आदमी है वो अपना आपको छुपा के नहीं रखा है और वो उनसे बात भी करते हैं अपना इससे घर वालों से और हमें गलत ढंग से फंसाया जा रहा है सर। सर हमें जो है इंसाफ के लिए आया हूँ मैं सर, हमें इंसाफ चाहिए सर। हमें बार बार प्राथमिकी क्या चीज का दर्ज हुआ? जी सर क्या दर्ज हुआ प्राथमिक? जी एफआईआर दर्ज हुआ सर। किस चीज का हुआ सर? वो अपहरण का हुआ है, वो अपने आप को कहीं छुपा साजिश में छुपा रखा है जो कि सर हमें फंसाने के लिए कर रहा है सर। वो पुलिस जो हमारे ऊपर प्रेशर दे रही है कि आप ही अपना ये रखिए। मास्क नीचे कीजिए, बोलिए क्या समस्या है इसमें? इसमें माइक बोलिए। हमको दाल काट जमीन मिल रहा है, इसको नीचे कर दीजिए मास्क। दाल काट जमीन मिल रहा है, ये आपको जमीन मिला है सरकार से? आपको जमीन मिला है? सरकारी जमीन मिला था। सरकारी जमीन मिला खरीदे? नहीं सरकार दिया है। सरकार दिया आपको जमीन? भूमिहीन थे? अरे भूमिहीन है आपको जमीन मिला? भूमिहीन है ना, भूमिहीन है ना। महादलित सरकार आपको जमीन पहले से नहीं था, वही मिला है, वही सरकार जमीन दिया है। उस जमीन को कोई दूसरा कब्जा कर लिया है? कब्जा कर दिया, लाठ आदमी खदेड़ देता है। सरकार ने जमीन दिया और आपको कब्जा को दूसरा कर दिया? हाँ सर, ऑर्डर भी है सर, ऑर्डर शायद ने सुनता है। लगाओ जरा लगा। अरे भाई पूर्णिया से अनुसूचित है तो इनको सरकार ने जमीन दी, लेकिन जब सरकार जमीन इसको दूसरा ही कब्जा कर लिए उसने, नहीं होने दे रहा। तो जब गवर्नमेंट किसी को जमीन देती है अनुसूचित जाति वर्ग काहे नहीं हो रहा है? तुरंत देखिए पूर्णिया वाले जाइए बाबा। हाँ जाइए बाबा। बैठिए सर, बैठा
हमारा जमीन संपर्शित से मिला कर देता है सर, जैसा इसने इतना लिख दिया गलत है, वही लिखा है, ठीक नहीं, ठीक से लिखिए उसको। चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए सर। कपिल सीओ साहब से हमारा जमीन साहब रसीद दूसरे नाम से, अब हम सब कागज दे रहे हैं, कुछ नहीं है। नमस्कार सर, मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ सर। मैंने कई बार परिभाजन किया था अनुज कुमार सीओ के रीज में, जमा करते थे फिर भी नहीं चढ़ता था, लेकिन बालू घोटाले में फंस गए तो वो सस्पेंड हो गए। फिर हम शुक्रवार को हमें कहा गया कि आपका तो काम हो गया, क्यों जनता दरबार में जा रहे हैं भाई। हम सरपंच प्रतिनिधि भी हैं अभी तत्काल, तो हमें भी बहुत सारे लोग के कागज चढ़ाने के लिए परिमर्जन के माध्यम से सीओ के पास गए, कर्मचारी भी गए, दोनों वहां से वहां 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 टार मटूट करते रह रहे हैं। तो मतलब हम तो नहीं आ रहे थे, लेकिन वही लोग कहें कुछ आदमी उसमें नंबर डाला हुआ है, उसे भी बात किया जा सकता है, कितना परेशान किया जाता है हम लोग को परिमर्जन कराने में। अंचल अधिकारी के यहाँ गए थे तो क्या बोले? वो बोले कि जाइए कमल किशोर जी के पास, हम लोग कर्मचारी हुए महवी मोजा का, बुलवर ब्लॉक के महवी मोजा के कर्मचारी हुए, उनके पास गए सब कोई। तो बोले कि नहीं सीओ साहब, जब बोले नहीं कहेंगे हम नहीं, कुछ उसमें पर्चाधारी हैं, कुछ रहती है। हमारा बिहार सरकार के जमीन मिलल था, जूते पड़े थे बिहार सरकार के, तो जमाबंदी फाट गए, तो जमाबंदी कहा था सीओ साहब नु कि ना बनियो से, अब एक रद्द कर दिया जाये, तो कहन के जाए दी रद्द कर दिया, तो हम का करे, हमारे तो मिलल सब रसीद उसी सब ले बनी, हम जड़ साल से कटावत है, तो कहा नू एगो संदीप नाम बाबू दलाल हमें हर के निकल के कहा नू सत आठ हजार रुपया दे देव तो तहार जमाबंदी फिर कायम हो जाए। अब सरकार हमारा भी अब कहाँ से पैसा बा, हम गरीब आदमी गरीब रद्द करे के कहा।